जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना YouTube चैनल पर। आज मैं आपको 2021 के भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। कौन कौन सी राशियां बहुत ही शुभ हैं, कौन कौन सी राशियां 2021 के बाद भी शुभ रहने वाली हैं, कौन कौन सी राशियों के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी, कौन कौन सी राशियां बहुत ही शुभ रहेंगी, कौन सी इनके मध्यम प्रकार के योग रहेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। मेरे चैनल पर हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। 2021 में 12 राशियों का कैसा योग रहेगा, पुत्र प्राप्ति के कौन कौन से राशि के ज्यादा योग हैं, काफी सारे कमेंट आते हैं और पूछते हैं कि हमारे राशियों के कौन से महीने में शुभ योग हैं, तो वही जानकारी आज मैं आपको विस्तार से दे रहा हूं। तो आप ध्यान से जानकारी को प्राप्त करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2021 बहुत ही शुभ रहने वाला है और लगभग जनवरी का महीना खत्म हो चुका है और आने वाले समय में और ज्यादा योग बनेंगे, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। और कई राशि तो ऐसी हैं जो 2021 के बाद भी बहुत ही शुभ रहेंगी, 2022 तक बहुत ही अच्छे योग हैं। भगवान शिव की कृपा से 9 राशियां ऐसी हैं जिनके पूर्ण रूप से पुत्र प्राप्ति के योग हैं, संतान की मनोकामना उनकी पूरी होगी, नौकरी के हालात अच्छे रहेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, स्वास्थ्य में आपको बेहद लाभ मिलने वाला है, आपके घर में शुभ मंगल कार्य संपन्न होंगे, जब आपको सफलताएं काफी मिलेंगी। जिस इंसान को सफलताएं काफी मिलती हैं तो ईर्ष्या करने वाले लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं, यानी जब आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी तो आपको ध्यान भी रखना है कि आपके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति फूट न डाले, आपका ऐतना करे, इन बातों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए 2021 बहुत ही शुभ रहने वाला है, पुत्र प्राप्ति के योग हैं, धन प्राप्ति के योग हैं। धन प्राप्ति से योग का मतलब ये होता है कि जिन कार्यों से धन आता है, चाहे नौकरी से आए, चाहे बिजनेस से आए, चाहे किसी भी वजह से आए, उसे धन प्राप्ति योग ही कहते हैं। यह नाम के हिसाब से राशि फल है, जो नाम के हिसाब से राशि, लग्न के हिसाब से जो राशि बनती है वह है। अच्छी सफलता मिलेंगी, उत्साह में वृद्धि होगी, अनेक प्रकार के कार्य आपके संपन्न होंगे मेष राशि वालों के, तो आपके पुत्र प्राप्ति के योग पूरे पूरे हैं। हालांकि जो नाम के हिसाब से राशि फल बताया जाता है, ये एक बात ध्यान रखना, 70% सही होता है, पूर्ण रूप से सही नहीं होता। अगर आपके पास कुंडली है तो वो भी आप चेक कराएं। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, प्रत्येक राशि में बदलता रहता है, उसी प्रकार से ग्रहण का प्रतिदिन का हालात, स्थितियां बदलती रहती हैं, उसी प्रकार से मैं आपको जानकारी देता रहता हूं कौन सी राशि के पुत्र प्राप्ति के योग ज्यादा शुभ हो गए, कौन सी के कम योग हैं। वही दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के हालात बहुत ही आश्चर्यजनक रहेंगे, पुत्र धन प्राप्ति के योग हैं, नौकरी अच्छी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। हालांकि जब आपका प्रमोशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो रुकावट वाले भी काफी लोग रहेंगे। वहीं शादी में अड़चने जो आ रही थी वह भी आपकी दूर होंगी, विद्यार्थियों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। वहीं मिथुन राशि वालों के भी अच्छे योग हैं, मिथुन राशि के पुत्र और पुत्री दोनों के योग हैं, संतान प्राप्ति के योग हैं। जिनको संतान नहीं हो रही थी उनकी भी चिंताएं दूर होंगी। आपको भगवान विष्णुदेव की पूजा करें, बुधवार को दिन गणेश जी की पूजा करें, यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए धन के रास्ते तो अच्छे रहेंगे, साथ में संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे रहेंगे,
स्वास्थ्य के प्रति भी आप जागरूक रहेंगे, स्वास्थ्य में भी आपको लाभ मिलेगा। वहीं अगर कर्क राशि की बात करी जाए तो 2021 कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। कर्क राशि वालों को अच्छी सफलताएं मिलेंगी, संतान धन की प्राप्ति होगी, वहीं पुत्र प्राप्ति के भी योग हैं कर्क राशि वालों के। यह भी भाग्यशाली राशियों में से गुरु की शुभ दृष्टि है। जब गुरु की शुभ दृष्टि इसके ऊपर है तो ये और ज्यादा भाग्यशाली बन रही है। जब गुरु नीच राशि से निकल जाएंगे तो और ज्यादा शुभ होंगे, जो कर्क राशि पर सीधा सीधा प्रभाव डालेंगे। तो यहां तक है कर्क राशि का योग भी 2021 में बहुत ही शुभ रहने वाला है। अकस्मातिक धन आएगा, अकस्मातिक संतान की प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, वहीं आपके अकस्मातिक नौकरी के योग भी बनेंगे। विद्यार्थियों को रिजल्ट भी अच्छा खासा आएगा। और वही सिंह राशि की बात करें तो ये बेहद शुभ रहने वाली है। सिंह राशि की तो मैं आपको पहले भी जानकारी दी थी, बहुत ही शुभ रहने वाली है राशि, और 2021 संतान धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है, पुत्र प्राप्ति के पूरे योग हैं। वहीं कन्या राशि के भी पुत्र प्राप्ति के ज्यादातर योग रहेंगे, लेकिन साथ में कन्या प्राप्ति के भी योग हैं, कन्या प्राप्ति के भी योग हैं। तो कन्या राशि के दोनों प्रकार के योग हैं। वही तुला राशि 2021 में बेहद शुभ रहने वाली है। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, बिजनेस सब कुछ अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। जो है मेहनत का फल मिलेगा, एक चीज का ध्यान रखना, मेहनत आपको भरपूर करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको जो है लाभ मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी खासी मेहनत करते हैं, लाभ नहीं मिल पाता। वहीं तुला राशि के पुत्र प्राप्ति के, धन प्राप्ति के योग भी अच्छे खासे रहेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन आलस की वजह से आपके कार्यों में रुकावट आएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आलस नहीं करना है। वृश्चिक राशि जो बेहद अच्छी रहने वाली है, और जितनी अच्छी है उतने हालात भी खराब हो सकते हैं, ध्यान रखना। क्रोध की अधिकता रहेगी, केतु का गोचर है, हर कार्य संभल के करना है। संतान धन प्राप्ति के योग आपके हैं, लेकिन विशेष रूप से आपको अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करना है, घर के बालों की सहमति लेकर के ही कार्य करना है। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाण आदि का सुख आपको मिलेगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी, लेकिन बाण आदि होशियारी से आपको चलाने हैं। 2021 बहुत बढ़िया रहने वाला है। धनुराशि वालों के लिए 2021 अप्रैल के बाद से ही बहुत ही शुभ रहने वाला है। अप्रैल तक सामान्य रहेगा, उसके बाद में और ज्यादा शुभ हो जाएगा। किसी की बातों में आकर के कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, जो भी कार्य करें सोच समझ के, अपनी सूझबूझ के द्वारा करें। मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के मान सम्मान गिर भी सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वही मकर राशि के हालात भी बहुत ही शुभ रहेंगे, लेकिन स्थिति बहुत ही नाजुक रह सकती है। कई ऐसे दोहराए आएंगे जिस पर आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसी समय आपको शनिदेव का ध्यान करना है और प्रत्येक कार्य सोच समझ के ही करना है। सोच समझ के किया गया कार्य बहुत लाभप्रद होता है, और कभी कभी जल्दबाजी में किए गए कार्यों में हानि मिलती है, इस बात का ध्यान रखें। कुंभ राशि, शनिदेव का प्रभाव सिर पर है, क्रोध की अधिकता से ध्यान रखें। नौकरी मिलेगी, गई हुई नौकरी वापस मिलेगी, प्रमोशन भी होगा, वहीं पुत्र प्राप्ति के योग भी हैं, धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं। प्रत्येक कार्य सोच समझ के करें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा जिसकी वजह से आपका काम खराब होगा। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के और संभल करके करें, अगर संभल के करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके बहुत ही अच्छे योग हैं। वहीं लास्ट जो राशि है मीन राशि, मीन राशि की स्थिति शुभ रहेगी। मीन राशि वालों को पुत्र धन प्राप्ति के योग हैं, हालात भी अच्छे रहेंगे। बृहस्पति देव की आप पूजा करेंगे तो आपकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी। तो ये जो राशियां थी सभी की,
का मैंने आपको बताया है कि 2021 कैसा रहने वाला है। जो भी काम करें सोच समझ के करें, भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर रखेंगे। ओम नमः शिवाय।